जेपर्टाइज नहीं करते हैं सर, कि अभी भी वैल्यूएशंस के लिहाज से काफी आकर्षित है, आपके क्या राय है सर? दीप, इस स्टॉक को आज एसआईपी स्टॉक में चुनने की सबसे बड़ी वजह यही कि अभी तक इस स्टॉक को लोगों ने कोरोना की वैक्सीन और कोरोना के साथ लिंक नहीं किया है, और उस लिहाज से जो तेजी कोरोना की वैक्सीन से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स में बन चुके हैं, चाहे वो डॉक्टर रेड्डी से लेकर आप बाकी सारे स्टॉक्स देखें, वैसी तेजी तो स्ट्राइड्स फार्मा में आई नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये कि इस कंपनी को पसंद करने की वजह ये कि बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, प्रमोटर्स बहुत ही बढ़िया है, हमेशा इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने वाले प्रमोटर्स हैं, और ऐसे प्रमोटर्स कम मिलते हैं जहां पर इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए जो काम करते हुए नजर आए, और कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है अब तक की परफॉर्मेंस का, जो अभी अभी आपको आशीष ने बताया। लेकिन जिस वजह से इस स्टॉक में बड़ा ट्रिगर आएगा वो स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर है। स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर जो इन्होंने करार किया है मार्च में यहां पर बनाने के लिए, ये एक बड़ा ट्रिगर होगा और ये कंपनी के लिए पूरी रीरेटिंग करता हुआ नजर आएगा, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा आगे चलते हुए गेम चेंजर कंपनी के लिए साबित हो सकता है। जिस तरह की साइज की बात कर रहे हैं वो तो कमाल ही, अगर उस साइज पे प्रोडक्शन आता है तो दीप बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन ये बनकर निकलेगा, और लगभग लगभग 20 करोड़ डोज बनाने की जो बात कही जा रही है वो हमारे यहाँ के लिए भी और शायद दुनिया भर के लिए वो कंपनी के लिए बड़ा गेम चेंजर होगा। 20 करोड़ डोज अपने आप में काफी बड़ी क्वांटिटी आप मानकर चल सकते हैं, दूसरा कारण ये। तीसरा कारण जो है कि कंपनी लगातार अपना डेट कम करती दिख रही है, और 3200 करोड़ से 2200 करोड़ पर डेट ले आना और उसमें और कमी होना तो ये बैलेंस शीट को भी मजबूत करेगा और साथ ही साथ कंपनी की स्ट्रेंथ भी आगे चलते हुए दिखाएगा। तो डेट कम करना ये अपने आप में एक बड़ा ट्रिगर है। इसके अलावा आप देखिए बड़े इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट और भरोसा है इस कंपनी में वो जबरदस्त है। एफआईज और घरेलू फंड्स की होल्डिंग देखिए, एफआईज के पास लगभग 25% होल्डिंग है जो काफी बड़ी कही जाएगी, घरेलू फंड्स के पास 16% के आसपास की होल्डिंग है, बड़े बड़े पेंशन फंड्स हैं जो लंबे समय के लिए 10-15 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं, उनका इसमें पैसा लगा हुआ है। तो मुझे लगता है ये सारे कारण हैं जिनके चलते मुझे लगता है कि स्ट्राइड्स फार्मा यहां से आपको 2 से 3 महीने के लिए होल्ड करना चाहिए। 2-3 महीने में ये स्टॉक आपको कमाल के रिटर्न्स बहुत अच्छे दे सकता है। तो 2-3 महीनों के व्यू के लिहाज से मुझे लगता है स्ट्राइड्स फार्मा एक बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सबसे बढ़िया बात है कि जिस तरह से कोविड से जुड़े हुए और वैक्सीन से जुड़े हुए स्टॉक्स में तेजी हो चुकी है वो तेजी अब तक स्ट्राइड्स फार्मा में नहीं हुई है, तो यहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल बन सकता है। आइए इसी के चार्ट पर एक बार